ये मेरे साथ ही होगा तो किसके साथ होगा? बहुत था। मेरे को तो मेरी बहन दे चमाट मार मार के वो कराए, बट अब मैं उसके ऊपर चढ़ती हूँ, अब मैं उसके ऊपर हावी होती हूँ। लिटिल अपडेट गाइज, जहाँ पे मैं बैठी हूँ वो जगह तो पूरी भरी हुई थी, बट आप चौंकिए मत। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सॉरी एक हाथ से करें जस्ट बिकॉज दूसरे हाथ में चाय है, तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है, चाय पीने भी आ चुकी हूँ मैं। ऑल्सो एक और चीज़ दिखाती हूँ, चाय ना गिरे, चाय तो मैं पी रही हूँ बट मैं ये भी लेके घूम रही हूँ रेड लेवल का। मेरा चाय पत्ती ना एक्चुअली पुराने वाले फ्लैट में रखा हुआ है जो मैं घर से लेके आई थी, तो फिर इसलिए मैंने सिर्फ वो ही पैकेट लिए 10 रुपीज़ से, जस्ट बिकॉज वो वाला ले आऊँगी तो फिर उसमें से चाय बनाऊँगी। तो अभी जाते हैं घर, जाके ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और उसके बाद फिर से एक और बार चाय बनाऊँगी। मैं डरता वही हुआ आखिरकार, पूरा चाय गिरा दिया मैंने, देखो यहाँ पर ये मेरे साथ ही होगा तो किसने खा लेगा? बहुत सोना था गंदा, आज तो निकाला था ये लोअर, फिर गंदा हो गया। मैंने ये सब कट वट करके रख लिया है, तो कल मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मेरे पास ना दो किचन है, यहाँ पे जहाँ पे मैं कटिंग करती हूँ और यहाँ पे मैं जहाँ पकाती हूँ अपना खाना। तो अभी जाते हैं फटाफट, ये मैंने ऑमलेट के लिए काट के रख दिया, तो ऑमलेट बनाते हैं और ब्रेड सेकते हैं। और आज का ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट तो नहीं बोलूँगी, ब्रंच बोलूँगी, आज का ब्रंच होगा ब्रेड ऑमलेट। ऑल्सो हैप्पी टीचर्स डे सभी को, मम्मी पापा को मैंने विश कर दी हैप्पी टीचर्स डे, मामा मामी को मैं विश करती हूँ हैप्पी टीचर्स डे, और सभी को मैं हैप्पी टीचर्स डे विश करती हूँ अपनी तरफ से। पहली बात तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स फर्स्ट हैं, मतलब वही मेरे सबसे पहले टीचर्स हैं, उन्हीं ने मेरे को सिखाया है और अभी जो मैं लाइफ जी रही हूँ वो भी तरीका उन्हीं ने सिखाया है, तो उनको डेडिकेट करती हूँ हैप्पी टीचर्स डे का सबसे पहला विश मैं। बाकी मामा मामी आप लोगों को भी हैप्पी टीचर्स डे, ऑल्सो सारे लोगों को हैप्पी टीचर्स डे जो जो देख रहे हैं, और जो जो टीचर्स सच्ची में हैं और जो जो पेरेंट्स हैं उनको भी, ऑल्सो बड़ी बहनों को भी बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं वो भी टीचर्स होती है। मेरे को तो मेरी बहन दे चमाट मार मार के वो कराए, बट अब मैं उसके ऊपर चढ़ती हूँ, अब मैं उसके ऊपर हावी होती हूँ, अब उसका टर्न गया और उसका टाइम गया, अब मेरा टाइम है। और सभी जाते फटाफट बनाते हैं, पापा को विश करी तो पापा बोलते हैं क्या कर रही है, मैंने बोला कुछ नहीं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही, तो बोलते हैं अभी कौन सा टाइम होता है, 7 बजे होता है ब्रेकफास्ट का टाइम, मैंने बोला कौन सा आप 7 बजे करते हो ब्रेकफास्ट, जो मेरे को बोल रहे हो आपके दिखाए कदमों पर चलती हूँ पापा, और कुछ नहीं है और मेरी लाइफ में, और मैं अपने अलग से कुछ नहीं करती, पर अभी जाती हो गई बकवास, जाते हैं बनाने खाते हैं ब्रंच करते हैं और उसके बाद ये एरिया थोड़ा जमाती हूँ। ऑल्सो फैशन कलेक्शन का जो भी निकल रहा है ना मैं सब हर जगह ठोक दे रही हूँ, तो ये भी है कि यहाँ पे इसके साथ जोड़ के ऐसे टांगूंगी और बीच में फ्लावर्स एंड ऑल का डेकोरेशन जो है रूम डेकोर करते हैं, और बाकी जो जो चीज़ें फॉर एग्जाम्पल चाइना बोल रही हूँ, मैं चेन्नई गई थी तो वहाँ से मैं एक हार्ट वाला मिरर लाई थी शेल्फ वाले, तो वो भी लगा दूंगी रूम में। ऑल्सो पौंडीचेरी गई थी तो वहाँ से ड्रीम कैचर लाई थी, वो भी लगा दूंगी। तो ऐसा मेरे लिए कि जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करती ना वहाँ से ज़रूर मैं ऐसी ऐसी चीज़ें लाती हूँ जो मेरे को याद दिलाए कि हाँ भाई हाँ ये मैंने चेन्नई से लिया था, ये मैंने पौंडीचेरी से लिया था, और मेरे पास ऐसा मेमोरी बन के वो रहे। ऑमलेट कैसा लग रहा है गाइस? बढ़िया लग रहा है ना, ये थोड़ा उसको मैंने टेक्स्चर दिया अंडा भुर्जी का, बट ये है ऑमलेट। मेरे पास पलटने के लिए कुछ था ही नहीं, इसी चक्कर में वो ढंग से पलटाया भी नहीं, तो फिर मैंने उसका भुर्जी बना दिया। इसको अच्छे से दो ब्रेड के बीच में डाल के मस्त खाऊंगी। वाओ, मैं चाकू से पूरा भुर्जी बना ली, देखो 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 अच्छे से। वाह, इसके बीच में भी मैं सोच रही हूँ सॉस डालने को, अभी नहीं निकालने के बाद डालूंगी सॉस, मस्त बैठ के खाऊंगी। एंड ऑल्सो मेरे को दही और शक्कर भी बहुत पसंद है, तो दही का 2 पैकेट रखा है, तो दही शक्कर भी 1 कटोरी खाऊंगी। ब्रेड ऑमलेट रेडी है गाइस, ये एक सिंगल ब्रेड के ऊपर मैंने पूरा अंडा भुर्जी रख दिया क्योंकि वो लास्ट का जो बचा रहता है ना इसीलिए, और ऑल्सो ये 2 ब्रेड ऑमलेट। अभी जाते हैं बैठ के मस्त खाते हैं। कपड़े भी सूख गए और क्या, मस्त धूप आ रही है ना यहाँ से बिल्कुल सामने से, देखो वाह कितना प्यारा लग रहा है। मैंने चाय भी बना ली है, पहली चाय मेरे घर में, इतने प्यारे से घर में आज पीऊँगी मस्त चाय, और खुशबू इतनी शानदार आ रही है ना कि मैं बता, ओ हो खुशबू इतनी शानदार आ रही है ना कि मैं बता भी नहीं सकती। तो अभी चाय पीते हैं, साफ हो गया क्या? हाँ हो गया, तो अभी चाय पीते हैं और चाय पीते पीते व्लॉग एडिट करती हूँ और आज का व्लॉग डालती हूँ। तो मैं ना अभी बैठ के मैं व्लॉग एडिट कर रही थी और मैंने अपने पीछे टर्न लिया और मेरे को इतना प्यारा, मतलब सनसेट तो हो रहा है बट वो जो शेड दे रहा है ना स्काई में वो इतना प्यारा दे रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो देखिए, मतलब इतना प्यारा,
इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ओ माय गॉड, देखिए आप, सो ब्यूटीफुल। अब बर्ड्स ने तो चार चांद लगा दिया, आई नो, देखो वो चुनू सा सन, आई नो कि पूरा नहीं दिख रहा है बट जो शेड दे रहा है ना, इट लुक सो प्रिटी। ओ वो जो बिल्डिंग में लोग रह रहे होंगे उनका व्यू सोचो। लिटिल अपडेट गाइज, जहाँ पे मैं बैठी हूँ वो जगह तो पूरी भरी हुई थी, बट आप चौंकिए मत, ये जगह भरी हुई है, इधर खाली करा तो इधर भर दिया सामने। अरे भाई साहब कैसे करूँ खाली, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। चलो ये तो हॉल, तो मैं अभी जमा दूंगी बॉक्स एक के ऊपर एक रख के बॉक्स, बट अभी मेरा रूम देखोगे क्या है ये, कैसे करूँ इसको साफ, कोई मेरे को कुछ रास्ता दिखाओ। नहीं नहीं ये देखो, ये शियान का मैट्रेस था, शियान ने लिया था तो वो शियान छोड़ के गई यहाँ पे, तो शियान से मैं वही कॉल करके पूछी कि मैं शियान में यूज़ कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, तो शियान ने बोला ऑफ कोर्स प्रिया, और वो लोग मेरे से पूछ रहे कब आ रही है प्रिया इस साइड, मैंने बोला मेरे को नहीं पता मैं कब आ रही हूँ, मेरे को जाना है उस साइड बट मैं कैसे जाऊँ, जाऊँगी। ये दोनों को लटका दिया है, इसको बिछा दिया है, यहाँ पे झाड़ू लगा दिया था, अभी वो तीनों तो वैसे ही रखे रहेंगे, इसको मैं ऊपर रखने का सोच रही हूँ और उसको मैं देखती हूँ, वो दो डब्बा, वो उसमें तो जूते चप्पल पूरा भरा हुआ है उसमें, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें किचन का सामान है, माइक्रोवेव देखो। अरे भाई साहब प्रिया मैं जा रही जूस पीने, मेरा मूड फ्रेशन अप करके आती हूँ, जूस पी के आती हूँ, यहाँ पे पास में एक शॉप है मस्त वाटरमेलन जूस बनाते हैं, तो मैं सोच रही ये सब ऐसे ही छोड़ के भाग जाऊँ, भाग ही जाती हूँ। ले लिया मैंने वाटरमेलन जूस, अभी मस्त अच्छे से पी के, फ्रेश लग रहा है, मैं थोड़ा नीचे घूम के जाऊँगी यार, ऊपर नहीं जा रही अभी। क्या रही है ना गाइस, गणेश चतुर्थी आ रही है ना, इसीलिए देखो पूरा मस्त फ्लावर्स एंड ऑल हर जगह, फ्रूट्स एंड ऑल, केले के पत्ते, लोटस हर जगह मिल रहा है, इतना प्यारा लग रहा है ना, वहाँ पे भी मिल रहा है। नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास बेलन ही नहीं है, वाओ, और रोटी बनाती हूँ मैं, क्रेजी ना। मैंने बेलन ले लिया है बट मेरे को स्टील का ये या इसमें से कोई सा तो चाहिए सामान सब रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूटेंसिल्स हैं इसीलिए, बट देखते हैं यहाँ का प्राइस कैसा है, और ऑनलाइन मैंगो का और टोमेटो का पिकल लेके जा रही हूँ क्योंकि वो आपको बाद में बताती क्यों। आप लोगों को पता है मैंने चटनी क्यों ली थी, जस्ट बिकॉज ऐसा लग रहा है प्रिया के अंदर का शेफ ना जो जागते जा रहा है दिन ब दिन, जस्ट बिकॉज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। अरे 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 बन 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 बन, हाँ सॉरी गाइस, क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, उसको पलटने में इतनी दिक्कत हो रही है ना, जस्ट बिकॉज मेरे पास एक प्रॉपर चम्मच नहीं है इसको पलटने वाला, वो पलटी नहीं है, देखो क्या नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं इसको पलटने के लिए आलू के पराठे को, बट यस आलू के पराठे खाऊंगी आज, और ये दो अलग दो और दो पराठे जिसको मैंने बेल के रखा है, और ये तीसरा, तीन पराठे बनाए मैंने, टोमेटो की चटनी भी लाई हूँ, मतलब टोमेटो पिकल बोलेंगे कि चटनी बोलेंगे, और मैंगो पिकल लेके आई हूँ तो उसी के साथ खाऊंगी। ये फाइनली एक पलटा है, बताऊँ इतनी मेहनत लगी है ना इसको पलटने में जिसकी कोई हद नहीं, और ये थोड़ा सा आलू और बन गया है, ये बताऊँ ये मैंने जब आलू बनाया ना कसम से मैश करके पूरा इसको मिक्स विक्स करके ऐसे लग रहा बिल्कुल पानी पूरी वाला आलू, तो एक दिन पानी पूरी भी बनाऊंगी। अभी तो पहले आलू के पराठों को फिर से पलटना, आप लोगों को ये स्ट्रगल दिखाती हूँ पलटने वाला स्ट्रगल, देखो आप मेरा स्ट्रगल, एक तो इधर से ना बहुत सॉफ्ट हो गया, देखा टूटा हुआ है, तुम चिपक क्यों नहीं रहे हो, चिपको तुम, चुमा दो एक दूसरे को, चिपक जाओ प्लीज। अरे यार यही वाला सही दिखाना पड़ेगा, देखा टूटा, वन टू थ्री टूटा, कोई ना गाइस ये थोड़ा टूट गया बट चलता है, पराठा तो पराठा है, पराठा तो पराठा है, अब तुम पक जाओ ना, तुम्हारा टाइम हो गया, तुमको उतार देंगे हमने, थोड़ा सा ये साइड सीखने दो, स्ट्रगल देख रहे हो स्ट्रगल, अभी पता नहीं ये दो कैसे पलटूंगी भाई, ये इसकी तरह टूटे ना, अगर नहीं टूटेगा तो फिर ठीक है, निकालते हैं प्लेट में, थोड़ा सा टूट गया है बाकी तो चिपक चलता है,
जुड़ा जुड़ा इसको मैंने जोड़ दिया हाँ या 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 ओ ये परसों मैं गिर जाता ना या 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 हो जाता मेरा। दूसरा आलू का पराठा देखते हैं, दूसरा आलू का पराठा है पलट पुलटता है कि नहीं पुलटता है। अरे यार तू उसके नाम की सनम, उसके नाम की सना, उसके नाम की सनम। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, आई डोंट नो व्हाई, जस्ट बिकॉज मैं आलू का पराठा बना रही शायद इसीलिए, पर मैं आज बहुत खुश हुआ क्योंकि आलू का पराठा खाना था और मैंने बना दिया आज। मेरे किचन में तो मेरे को खुद हंसी आ रही है, बट मैं सब कुछ बना रही हूँ। वाह, अब तुम अच्छे से पको, नो डिस्टर्बेंस, तुम अच्छे से पलटना है मेरे को। मेरा थर्ड पराठा भी मस्त पलट गया है, ये भी नहीं टूटा, ये सेकंड वाला था ये भी नहीं टूटा। बले बले दिशा वाशा वा, बले बले दिशा वाशा वा, बले बले दिशा वाशा वा, बले बले दिशा वाशा। देखिए मेरे आलू के पराठे गाइस, ये 1, ये 2 और इसके नीचे 3 है। अब तो ये मैं अभी खाने लग गई थी, फिर मेरे को याद आया शिट व्लॉग में तो दिखाया नहीं इसलिए ना टूटा है, बाकी अच्छे से पलटा था, नो डाउट ये अच्छे से पलटा था। टोमेटो पिकल, मैंगो पिकल, दही। अब मैं जाती हूँ खाना खाती हूँ, लाफ्टर शेफ देख के 1 2 3 गुप्पू।